बड़े दिन बाद चक्कर लगाया तुमने सकलेन? जी फूफा, बस मसरूफियत ही इतनी ज्यादा थी इस वजह से। जाहिर है भाई, साली की शादी में जो मसरूफ हो, वक्त कहाँ मिलेगा तुम्हें आने का। वैसे एक बात बताओ, आजकल चल क्या रहा है तुम्हारे ससुराल? कुछ खास नहीं, मानूर अपने एग्जाम से बिजी है और खाला वरीबा और छोटी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं बस। तो क्या तुम्हारे ससुराल वाले मानूर का जहेज इकट्ठा नहीं कर रहे? नहीं, मानूर ने जहेज लेने से इनकार कर दिया है ना, उसको ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तो जानती हैं, वो सब काम अपनी मर्जी से करती है, अपनी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने देती। चलो अच्छा ही किया जो मना कर दिया, मैं भी तो यही सोच रही थी। हमारा तो ऑलरेडी घर इतना भरा हुआ है, सामान लेकर आएगी तो हम रखेंगे कहाँ। और आशिक को भी तो तुम जानते हो ना, वो ऐसा लड़का ही नहीं है कि बीवी के लाए हुए बिस्तर पे सुकून की नींद सो सके। तुम ऐसा करना, अपनी सास से कहना कि सामान के चक्करों में ना पड़े, वो कैश दे दें, और वैसे भी वो सारा कैश उनकी बेटी के ही काम आएगा। जी मैम, आपका पैगाम खाला तक पहुंचा दूंगा, और भी अगर कोई डिमांड हो तो बता दीजिए, वो भी पहुंचा देता हूँ। डिमांड थोड़ी कर रही हूँ मैं, ये तो एक मशवरा दे रही हूँ, और मसले का हल भी अच्छा है। वैसे मैं जानना चाह रही थी कि मानूर का हिस्सा वो शादी से पहले देंगे या बाद में? कौन सा हिस्सा? अरे वही हिस्सा जो अरीबा को दिया था उन्होंने। अब मुझसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है सकलैन, मैं जानती हूँ अच्छी तरह कि तुम अपने ससुराल वालों से दो दुकानें ले चुके हो ना, दीदी के नहीं? फूफा, वो दुकानें मैंने मांगी नहीं थी, खाला ने खुद अरीबा के नाम लगवाई थी, मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे भाई जो भी सोच कर की थी, अब काम बहुत ही अकलमंदी वाला किया था उन्होंने, इसलिए कि माँ बाप के गुजरने के बाद ना 100 झगड़े खड़े हो जाते हैं बहन भाइयों में। अच्छा है जिसका जो हिस्सा हो जिंदगी में ही दे दें। और एक और चीज भी थी मेरे जहन में, मानूर का हिस्सा अरीबा के बराबर तो होगा ना, मतलब दो दुकानों के बराबर। दरअसल वो अब आशिर आएगा इतने अरसे बाद, तो कुछ वक्त तो लगेगा उसे यहाँ सेट होने में, और तुम जानते तो हो कि नौकरी से बेहतर तो कारोबार ही होता है। दो दुकानें मिल जाएंगी तो वो बहुत अच्छा काम शुरू कर सकता है उनमें। फिर वही बात कि सारा फायदा तो महनूर को ही मिलेगा ना, सोचो तुम इस बारे में। अच्छा सुनो, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर ही नहीं आई खाने के लिए, तुम बैठो मैं भी खाने के लिए लेकर आती हूँ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.